पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों लोगों की सांसें थम गई थी, लाखों लोग सड़कों पर उतरकर ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे थे लेकिन थमती सांसों को सुचारू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज पर्यावरण दिवस पर भी लोग उस दिन को भूल गए, लेकिन जिन लोगों को वो दिन आज भी याद है वो बस यही चाहते हैं कि ईश्वर ये दिन किसी को ना दिखाए। उम्मीद संस्था के द्वारा भी आज पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक किया गया और पर्यावरण का रूप रख कर सड़कों पर आते जाते लोगों को जागरूक किया। संस्था के सभी मेंबर्स ने अपना एक अलग गेटअप बनाया और सांकेतिक रूप से जागरूक किया। सदस्यों ने बताया कि लोग कोरोना काल के उन दिनों को भूल गए हैं जब ऑक्सीजन की कमी से लोग सड़कों पर गिर रहे थे, इसीलिए आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी को एक पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया गया है। जैसा कि अभी कोरोना काल में सभी व्यक्तियों को ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा में कमी पड़ गई थी, आज की तारीख में सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, परंतु पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता जो कि ऑक्सीजन का एकमात्र साधन है। तो हम समाज को यह मैसेज देना चाहते हैं कि अपने आसपास अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं, जिससे कभी भी आने वाले समय में तथा किसी भी बीमारी के कारण ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसलिए हमारा समाज को यह भी मैसेज देने का उद्देश्य है, इसलिए हम अपने साथ पेड़ लगाकर घूम रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है सीधे पेड़ों से आती है और हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती रहे। तो ये आज जो 5 जून है इसको लेकर ही आपने किया? जी, आज पर्यावरण जो कि आए हर व्यक्ति पेड़ लगाकर इस पर्यावरण दिवस को मनाता है, तो इसीलिए हमारा भी समाज से यही मैसेज है कि आज पर्यावरण के दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी लोग एक एक पौधा अवश्य लगाएं, तथा पौधे को लगाना ही एक उसका संकल्प नहीं, इसके साथ साथ उस पौधे की देख रेख भी करें। तो सभी से यही उद्देश्य है कि सभी लोग पेड़ लगाएं। आज हमारी उम्मीद संस्था ने आम जन लोगों को जागरूक करने के लिए अपील की है। जैसे कि आपने देखा होगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक महामारी कोरोना के समय लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कतें पैदा हुई, कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए ये सारी समस्याएँ पैदा हुई। तो हम लोगों को ये मैसेज देने के लिए निकले हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और जो वर्तमान में जो इतनी भयंकर स्थिति पैदा हुई है उसमें हम थोड़ा कंट्रोल पा सकें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।